तो भाई वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हमने एक अपना ब्रांड लॉन्च करा है मसालों का, और जो भी आपको चीजें चाहिए ना, मतलब कि ये दाल वगैरह, ये सब चना सत्तू या फिर कुछ भी आपको मसाले चाहिए हो, ब्लैक पेपर पाउडर या फिर मतलब कोई भी पेरी पेरी पाउडर, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ हमने लॉन्च कर रखा है, ठीक है। ये सब का आपको लिंक अमेज़न का भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही। ये सब हमारा खुद का ब्रांड है भाई, हम मतलब कि इसको खुद पैक करते हैं और खुद इसका जितना भी है, जितने भी मसाले हैं, ये सब भाई हम खुद इन होम पीसते हैं, ये सब कुछ पैक होता है और सब कुछ सेल करते हैं हम। तो इसका अमेज़न पे भी आपको मिल जाएगा सब कुछ। और ये जितने भी मसाले हैं ना, बिल्कुल प्योर रहने वाले, मैं कोई सा भी स्पेसिफिक ब्रांड नहीं बोलूंगा वैसे तो, लेकिन एक बार ये आप ट्राई करके जरूर देख सकते हैं, उन बहुत ज्यादा प्रीमियम जो है टेस्ट आपके खाने में आ जाएगा। ये सब कुछ आप देख सकते हैं कि जौ सत्तू वगैरह, ये सब कुछ आपको गर्मियों में बहुत ज्यादा फायदा देगा। यूज करने की इंस्ट्रक्शन आपको इन सब की कैसे बनाना है क्या, वो सब कुछ आपको पैकेट के जो है पीछे मिल जाएगा, जो भी सर्विंग इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा कि इसमें कैसे घोल के कैसे पीना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको गर्मियों में भाई बहुत ज्यादा फायदा करेगा, और बहुत ही इसकी इन सारी चीजों की बहुत लंबी रेंज है। ग्रनोला मिक्स वगैरह, ब्रेकफास्ट मिक्स आप सुबह खा सकते हैं एनर्जी आपको अगर चाहिए हो तो। अगर आपको खाने में एक नेचुरल सा टेस्ट चाहिए और एकदम प्योर टेस्ट चाहिए तो इन मसालों का आप यूज करके जरूर देख सकते हैं। ये चाय मसाला मैं जरूर बोलूंगा, एक बार ये आप ट्राई करके जरूर देखना। अमेज़न का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी पैकेजिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे चना सत्तू कैसे बनता है, तो वो आप देख सकते हैं जो रॉ चना है वो कट्टे से खुल के पहले मशीन में हम डालते हैं, ठीक है। मशीन में डालने के बाद जो है ये सारा का सारा पिस जाता है, मतलब कि आधा घंटा लग गया, 15-20 मिनट में ये सारा का सारा पूरा कट्टा जो है वो पिस जाता है। पिसने के बाद ये हम लेके जाते हैं दूसरी जगह पे, जहाँ पर इस एक बार छानते भी हैं ये सारा मसाला, तो वो भी आप देख सकते हैं कि ये छानते कैसे हैं। छानने का मतलब ये पर्पस रहता है, जितनी गुठलियाँ रहती हैं मसाले में वो सब कुछ निकल जाती हैं और मतलब थोड़ा एरी सा हो जाता है मसाला और खिल के आता है भाई। छानने के बाद आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो है वेट करा जाता है, मतलब तोला जाता है, ये सारा सामान तोलते हैं, ठीक है। और इसमें पन्नी का वजन जो है हम पहले ही निकाल लेते हैं, पन्नी का वजन हम इसमें नहीं गिनते हैं, जो भी मसाला हम तोलते हैं फिर इसी को हम वैक्यूम पैक जो है वो कर देते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम सील्ड पैक होता है ये। कहीं से भी आप अगर इसकी सील भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे भाई ये मसाले पे ऊपर प्लास्टिक की पन्नी रहती है, ठीक है। सब कुछ हाइजीनिकली पैक्ड होता है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ जो है, ये पिस्ता भी एकदम हाइजीनिक तरीके से है, और अंदर यहाँ पर वही फॉइल पेपर जो है सब कुछ पैक होता है, ये बिल्कुल वैक्यूम पैक रहता है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सील भी होती है, ठीक है, ये सब कुछ पैक हो जाता है ऐसे। तो ये सब कुछ आप एक बार ही ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आगे की वीडियो। हेलो गाइस, मैं हूँ हरिओम अग्रवाल, स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ ह्यूंडई की डीलरशिप में भाई, मुझे करानी है गाड़ी की सर्विस, जो कि 20,000 किलोमीटर वाली थर्ड फ्री सर्विस रहने वाली है। फ्री तो कुछ भी नहीं रहता यार आजकल के ज़माने में, फ्री बस नाम नाम का होता है वो, इसमें पता नहीं क्या क्या आप चेंज होएगा। उस सब के पार्ट्स के पैसे तो हमें देने पड़ेंगे, लेकिन जो लेबर रहती है ना, मतलब कि जो भी पार्ट चेंज करने में लेबर लगती है, वो हमारी फ्री रहेगी। तो वो देखते हैं आज की तीसरी फ्री सर्विस में हमारा कौन कौन से पार्ट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तीसरी फ्री सर्विस से मेरा मतलब है 20,000 किलोमीटर पे जो सर्विस होती है गाड़ी की, वो वाली मैं कह रहा हूँ ह्यूंडई की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी जो चली हुई है अभी 18,648 किलोमीटर चली हुई है टोटल, ठीक है। लास्ट सर्विस इसकी भाई 8,400 किलोमीटर पे हो गई थी, आपने देख रखी होगी लास्ट वीडियो, मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा आई बटन में, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस होगी, तो इसमें देखेंगे क्या क्या पार्ट्स जो है वो हमारे चेंज होंगे। अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी मुझे जो है गाड़ी की करानी है, तो अभी डीलरशिप पे चलते हैं, वहाँ वीडियो तो वैसे नहीं बना सकते, मैं आपको बाद में बता दूंगा मोटा मोटा कि क्या क्या चेंज हुआ है, और थोड़े बहुत शॉर्ट्स बनाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मतलब गाड़ी का मैं बना लूँ और गाड़ी के साथ ही रहूँ। वो पता नहीं क्यों यार सारे जितने भी डीलरशिप है ना, वो सब ये ही कहते हैं मतलब कि आप सर्विस होते हुए नहीं देख सकते गाड़ी को, जैसे पता नहीं यार इतने ईमानदार है तो देखने भी दे सकते हैं, लेकिन भाई पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है, ये तो वही जाने ह्यूंडई वाले ही जाने, या फिर कोई सी भी कंपनी हो, एक्स वाई जेड कोई सी भी कंपनी हो, उसमें यही चलता है कि यार मतलब आप वीडियो बना नहीं सकते, ना ही आप गाड़ी के पास खड़े हो सकते हैं, बस वेटिंग लाउंज से जो है वो अपनी गाड़ी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बस मेनली तो इंजन ऑयल और मतलब जितने भी फिल्टर वगैरह हैं वो सब चेंज होंगे। डीजल की गाड़ी होती है आपकी तो डीजल फिल्टर वगैरह भी आपका चेक होता, ठीक है, ये सब होता। इसमें डीजल फिल्टर या फिर पेट्रोल फिल्टर जैसा कुछ होता नहीं है, बस फ्यूल फिल्टर जो होता है थोड़ा सा वही है, बस देखेंगे अभी। तो भाई वैसे बात कर ली कि मुझे अभी तक क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ऐस सच तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जब गाड़ी 70-80 की स्पीड में चलती है ना, तो एक आवाज़ सी आती है, पता नहीं घर्षण की सी आवाज़ आती है टायरों में से, जैसे सस्पेंशन में से आवाज़ आ रही हो, लेकिन भाई ऐसा कुछ मैंने चेंज करा नहीं रखा, ना ये अलॉय व्हील्स है बाहर के, ये सब मुझे एक बार चेक कराना है। सामने की अलाइनमेंट थोड़ी सी जो है वो बंपर की बिगड़ी हुई है, वो भी चेक करा लूँगा एक बार, अगर वो सही होती होगी तो सही करवा लूँगा भाई,
और भाई एसी की सर्विस, एसी का तो भाई कूलिंग बढ़िया ही है। हल्की सी जो है मुझे अलाइनमेंट भी आउट ही लगती है वैसे गाड़ी की, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ एक तरफ को पुलिंग है गाड़ी में, ठीक है, तो वो भी एक बार चेक करवा लूंगा। वॉशिंग तो होनी ही है भाई, मतलब हर दिन बारिश हो रही है तो यार हर दिन मतलब गंदी हो ही जाती है। हर दिन मैं साफ कर देता हूँ ऑल दो गाड़ी, लेकिन फिर भी भाई गंदी हो ही जाती है। और तो भाई और तो कोई भी दिक्कत नहीं लगती मुझे, ब्रेक से एक जो है मुझे बहुत हल्के लगते हैं, तो वो भी बस चेक करवा लूंगा। वैसे तो मैंने काफी सारे i20 ओनर्स से सुन रखा है कि इसके ब्रेक्स हल्के ही लगते हैं, लेकिन भाई फिर भी एक बार ही चेक करवा लेंगे। अभी चल रहे हैं सर्विस सेंटर की तरफ, ठीक चलते हैं। तो भाई अब जॉब कार्ड खुलने के बाद सबसे पहले गाड़ी वॉशिंग पे लग चुकी है, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि पहले सर्विसिंग हो जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से और उसके बाद एंड में होती है वॉशिंग, लेकिन इन्होंने पहले वॉशिंग कर दी और अब आराम से वेटिंग लाउंज में बैठे हुए हैं जब तक गाड़ी बनेगी। अभी 11:40 पे हमने जो है गाड़ी दी है, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी हुई है सामने और हम जो है वीडियो नहीं बना सकते सर्विस सेंटर में सर्विस होते हुए। तो अब सर्विस होने के बाद भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी है इन्होंने गाड़ी, फाइनल टचेस मतलब फाइनल जो कपड़ा मार रहे हैं बस, ठीक है। यहाँ पर दो चार चीज़ें इन्होंने नहीं देखी थी लास्ट में, वो मैंने ही बताया था इनको, अभी पॉलिश वॉलिश मारनी है वो तो मारने देते हैं। कि अगर आप सामने से देखेंगे ना तो बम्पर की अलाइनमेंट अभी भी मतलब आउट ही है, इन्होंने कहा था कि सामने से हल्की सी भिड़ी हुई है गाड़ी इसलिए बम्पर की अलाइनमेंट जो है वो नहीं हो सकती वापस। और नीचे से जो मैंने ब्लैक वाला पार्ट बोला था हल्का सा लटका हुआ, वो भी इन्होंने मतलब लास्ट मोमेंट पे ही ठीक करा है, इन्होंने मतलब खुद से नहीं देखा इन्होंने, तो वो बताने के बाद इन्होंने जो है वो ठीक कर दिया है। तो अब वापस चलते हैं, फिर मतलब आपको मैं पूरा ओवरऑल रिव्यू देता हूँ कि कैसा है इनका काम। तो भाई सर्विस के बाद वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही है गाड़ी चलाने में, और अलाइनमेंट कराने के बाद तो भाई बिल्कुल ही सीधी जा रही है। जो लेफ्ट साइड की तरफ पुलिंग थी ना गाड़ी में वो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है, और हल्की सी जो वाइब्रेशन आ रही थी सस्पेंशन में वो भी एकदम खत्म हो चुकी है, बिल्कुल सीधी सीधी गाड़ी चल रही है। और भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है इसमें पड़ चुका है 20,000 किलोमीटर की सर्विस के बाद। सर्विस के बाद इसमें पता नहीं माइलेज में कितना डिफरेंस आएगा, या फिर आएगा भी या फिर नहीं, तो वो तो देखने वाली बात होगी। तो अब चलते हैं और फिर मैं आपको पूरा रिव्यू देता हूँ कि सर्विस में इसमें क्या क्या चेंज हुआ है और कैसी सफाई वगैरह इन्होंने करके दी है मुझे। तो भाई आज है अगला दिन, कल मैंने 11:40 पे जो है सर्विस पे दे दी थी अपनी गाड़ी 11:40 सुबह के, ठीक है, और शाम को मुझे ये भाई 6:30-7 बजे तक गाड़ी मिल गई थी रेडी होके। तो भाई अब मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या नहीं। ये जो थी मेरी लास्ट फ्री सर्विस थी, इसमें जो फ्री सर्विस रहती है यार वही है, बस इसका लेबर चार्जेस जो है जो भी चीज़ें चेंज होती है वो चीज़ फ्री रहती है, बाकी सब कुछ तो आपको पार्ट्स के देनी पड़ेंगे। इंजन ऑयल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, सिंथेटिक ऑयल या फिर कौन सा, उसके हिसाब से आपका बिल बनेगा, ठीक है। बाकी जो मैंने चीज़ें बोली थी ना, ब्रेक्स वगैरह उनको टाइट करने के लिए बोला था, और अलाइनमेंट वगैरह इसकी करवानी थी गाड़ी की, क्योंकि भाई अभी तक एक बार भी नहीं हुई थी गाड़ी की अलाइनमेंट, और रोटेशन भी होनी थी गाड़ी की टायरों की। तो वो आप देख सकते हैं कि पीछे के टायर्स आगे आ चुके हैं, और आगे के टायर्स में अलाइनमेंट आउट होने से भाई आप देख सकते हैं कितना टायर जो है ये ख़राब हो गया है, मतलब देखो आप जगह जगह से ना ये कुतरा कुतरा सा जा रहा है, तो वो बस अलाइनमेंट आउट होने की वजह से भाई थोड़ी सी अंदर वाइब्रेशन भी आ रही थी, तो वही मैंने चेक करवाई तो इसकी अलाइनमेंट आउट थी, तो वो भी करवा दी मैंने, ठीक है। टोटल बिल जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको कितना टोटल बिल आया इसका। तो भाई ये रहा अपना टोटल बिल, जो हुंडई में रहता है ना यार, मतलब तीन फ्री सर्विस का मतलब रहता है, पहली सर्विस आपकी 1,000 किलोमीटर पे होगी, और वहीं आपकी दूसरी सर्विस जो है वो 10,000 पे होगी, और तीसरी 20,000 पे होगी। किया में अगर आप जाएंगे तो वही पहली सर्विस जो है आपकी 1,000 पे हो जाएगी, दूसरी सर्विस आपकी 5,000 पे होगी जिसमें वो दोबारा से वॉश करके आपको गाड़ी दे देते हैं, और तीसरी सर्विस आपकी 10,000 पे होगी। ये यहाँ पर अपनी लेबर कॉस्ट जो है वो बचा लेते हैं, क्योंकि 5,000 भाई 5,000 किलोमीटर पे कुछ भी चेंज नहीं होता है गाड़ी के अंदर, बस वॉशिंग करके वो दे देते हैं, तो यहीं पर इनकी लेबर कॉस्ट जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी फ्री। ये बस मतलब आप मान के चल सकते हैं एक ही सर्विस जो है इनकी फ्री रहती है, लेबर सर्विस, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको पार्ट्स दिखाऊं कि 20,000 किलोमीटर पर आपकी क्या क्या चेंज होना है गाड़ी के अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली चीज़ जो इन्होंने जोड़ रखी है ना भाई, ये बेफालतू की जोड़ रखी है, ये मैंने बाद में देखा कि गाड़ी में भी उन्होंने रख रखा है, ये मल्टी प्रोटेक्ट डिसइंफेक्टेंट, मतलब भाई एक सैनिटाइजर की बोतल जो है वो यहाँ पर रख दी थी इन्होंने, तो यहाँ आप देख सकते हैं हुंडई वालों ने भाई ये फालतू में चिपका दिया, मुझे ये चाहिए भी नहीं था, ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूं तो यहाँ विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड डाला इन्होंने 20 रुपये का, उसका जोड़ा है। तीसरा इंजन ऑयल जोड़ रखा है, इंजन ऑयल भाई मैंने नॉर्मल वाला डलवाया है इसके अंदर, कोई सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक कुछ भी नहीं डलवाया, नॉर्मल इंजन ऑयल जो है मैंने डलवा दिया, क्योंकि भाई ये गाड़ियाँ जो है परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, ठीक है। अगर टर्बो वाला इंजन होता ना, इसका टर्बो पेट्रोल इंजन होता तो मैं फिर भी एक बार को सोच सकता था, लेकिन मेरा नॉर्मल 1.2 पेट्रोल इंजन है, इसलिए यहाँ पर इंजन ऑयल मैंने डलवा लिया नॉर्मल वाला। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1,174 रुपये जो है इस चीज़ के जोड़े हैं इन्होंने। अगली चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर
इंजन ऑयल का जो फिल्टर है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो ऑयल फिल्टर जो है यहाँ पर 148 रुपए का, 150 रुपए के आसपास का आप मान सकते हैं ऑयल फिल्टर इसमें चेंज हुआ है। और एयर क्लीनर मतलब कि जो इसका एयर फिल्टर था इंजन का, यहाँ पर जो मेन एयर फिल्टर रहता है वो इसमें चेंज हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं 233 रुपए का वो चेंज हुआ है। तो टोटल सर्विस जो आई है ना वो 1856 रुपए की आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर, तो यहाँ पर एक 1856 रुपए का जो है टोटल हमारा बिल बना था। लेकिन इसके बाद भाई मैंने इसकी अलाइनमेंट भी कराई थी, मैंने इस सब के बाद अलाइनमेंट कराई थी यार, क्योंकि मुझे मतलब कि ना अलाइनमेंट पहले मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी वारंटी आउट वगैरह हो जाएगी, तो भाई मैंने ये बाद में अलाइनमेंट इसकी कराई है, तब जाके भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें पता चल रहा है। Hyundai से मैंने अलाइनमेंट करा लिया यार, वरना ये वारंटी वगैरह में इशू करते हैं अगर मैं बाहर से करवा लेता, तो अभी वारंटी में है गाड़ी, तो यार इसलिए मैंने जो है कंपनी से ही करवा ली। बाकी सब इसका मतलब जितना भी ब्रेक वगैरह का काम होना था, इसके डिस्क पैड वगैरह ये सब क्लीन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी डिस्क जो है वो घिसी नहीं है, ब्रेक पैड्स वगैरह इसके क्लीन कर दिए हैं, यहाँ पर जो भी कैबिन एयर फिल्टर वगैरह जितना भी था वो सब भी इन्होंने क्लीन कर दिया है। और सफाई तो भाई इन्होंने अच्छी खासी ही करी थी, सारा कुछ मैट्स वगैरह भी इन्होंने साफ कर दिए थे और ये सब कुछ ये डाल दिया था। सफाई के मामले में भाई एक नंबर लगी मुझे Hyundai, मतलब कि अच्छे से इन्होंने साफ करके दी थी पूरी की पूरी गाड़ी। तो ये अगला दिन है इसलिए थोड़ी बहुत आपको मिट्टी दिख रही होगी, और जो है बिल्कुल टाइम पे हमको जो गाड़ी है वो मिल गई थी, जितनी चीज़ें थी वो सारी रिजॉल्व हो गई। ब्रेकिंग वगैरह थोड़ी कम लग रही थी वो सब भी हो गया, ABS वगैरह सब कुछ मैंने चेक करवा दिया, सस्पेंशन भी चेक कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो जो टोटल हमारी सर्विस की कॉस्ट आई थी वो 1500 रुपये ऐड करके 3300 रुपये के आसपास की जो है हमारी टोटल 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस पड़ गई, जो कि यार मुझे पेट्रोल इंजन के हिसाब से ठीक लगी, मतलब 3300 रुपये के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि यार छोटी गाड़ी में इतना ही खर्चा आना चाहिए। वहीं अगर आप डीजल गाड़ी लेते हैं और डीजल गाड़ी की सर्विस होती 20,000 किलोमीटर वाली, तो ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, मतलब कि 4,000-4,500 के आसपास की सर्विस हो जाएगी उसकी वहीं पर, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।